हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पाइथन कैसे इंस्टॉल करें और पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लो और यहाँ पे सिंपली आप सर्च कर लो पाइथन डाउनलोड। एंड गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मुझे एक वेबसाइट बता रहा है जो कि पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है, python.org। आप सिंपली इस डाउनलोड पाइथन लिंक पे क्लिक कर दीजिए। एंड गाइस, यहाँ पे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन बता रहा है और मेरा विंडोज मशीन है तो मैं इस डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दूंगी। अगर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इस एप्रोप्रिएट लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। तो सिंपली मैं इस डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देती हूँ। अब गाइज, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब गाइज, इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं exe पे क्लिक कर दूंगी एंड मैं अपने ब्राउज़र को मिनिमाइज कर देती हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे मैं रन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझे बता रहा है इंस्टॉल पाइथन 3.11.2 और यहाँ पे दो ऑप्शन बता रहा है, इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। तो मैं तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन लूंगी, बट उसके पहले मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दूंगी। इससे क्या होगा कि आपका पाइथन का पाथ आपके एनवायरमेंटल वेरिएबल में एड हो जाएगा। गाइज, ये जो दूसरा चेकमार्क है ये बता रहा है कि यूज एडमिन प्रिविलेजेस वाइल इंस्टॉलिंग द पाइथन। तो यस, मुझे एडमिन के प्रिविलेजेस यूज करने हैं तो प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएंगे। अब गाइज, आपको क्या करना है, इस कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझे कुछ ऑप्शनल फीचर बता रहा है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि PIP जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पाइथन के पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए, और यहाँ पे TCL/TK IDLE है, ये सारे भी यूज़फुल हैं। सब सेलेक्ट रहने दीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। एंड गाइज, यहाँ पे ये एडवांस ऑप्शन है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी बिकॉज ये बता रहा है कि पाइथन सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए क्या, तो यस, सारे यूजर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। एंड गाइस, ये लोकेशन बता रहा है जहां पे मेरा पाइथन इंस्टॉल होगा, तो सीकोलन प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 3.11। अगर आपको पाथ चेंज करना है तो ब्राउज बटन पे क्लिक कर दीजिए। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस इंस्टॉल बटन। एंड गाइज, अब ये मुझे परमिशन मांग रहा है तो डेफिनेटली मुझे यस बटन क्लिक करना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं मेरा सेटअप स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, लगभग 2 मिनट लगा मेरे इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने पे और ये बता रहा है मुझे सेटअप सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं सिंपली इसको क्लोज बटन पे क्लिक कर देती हूँ। और गाइज, अब मैं आपको क्या करती हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके मेरा पाइथन का वर्जन बताती हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके मैं पाइथन का एक सिंपल सा प्रोग्राम भी रन कर दूंगी और मैं आपको आइडियली ओपन करके उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताती हूँ। तो सिंपली गाइज, मैं सर्च बॉक्स में CMD टाइप कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे गाइज, मैं लिखने वाली हूँ python --version और एंटर हिट कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे बता रहा है पाइथन 3.11.2। एंड गाइज, मैंने PIP भी इंस्टॉल किया है तो मैं आपको PIP का भी वर्जन दे रही हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल टूल है आपके लाइब्रेरीज डाउनलोड करने के लिए। तो ये मुझे PIP भी बता रहा है। अब अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई पाइथन का प्रोग्राम रन करना है तो मुझे सिंपली पाई टाइप करना है। एंड गाइज, आप देख सकते हैं मेरा कमांड प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट टाइप कर दे रही हूँ और उसमें सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड मैसेज टाइप कर देती हूँ। ओके, तो हेलो वर्ल्ड हो गया। तो गाइज, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर सकते हैं अपने पाइथन के प्रोग्राम। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करके IDLE ओपन करती हूँ। सो अगेन सर्च बॉक्स में जाइए और IDLE टाइप कर लीजिए एंड इस पर क्लिक कर दीजिए। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पाइथन 3.11.2 स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे भी आप प्रिंट कमांड टाइप करके देख सकते हैं, तो प्रिंट वेलकम टू माय चैनल, ऐसा मैंने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दिया। एंड यहाँ पे आप मेरा आउटपुट देख सकते हैं। तो ये था एक दूसरा वे जहाँ पे आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। एक थर्ड वे भी है, तो फाइल मेनू पे चले जाइए, न्यू फाइल क्रिएट कर दीजिए और यहाँ पे आपका पाइथन कोड लिख दीजिए। तो मैं सिंपल सा कोड लिख देती हूँ, प्रिंट
मेरा कोड हो गया है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको रन करूँगी, बट रन करने के पहले मुझे सेव करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं फाइल लेती हूँ सेव एज, और आप कोई भी फोल्डर ले सकते हैं। सो गाइज, आप कोई भी फोल्डर लेके आप अपने प्रोग्राम को सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नाम देती हूँ हेलो डॉट पाई। तो अगर आप एक्सटेंशन नहीं भी देंगे तो ये पाई लेने वाला है। तो मेरा प्रोग्राम तो सेव हो गया, अब इसको रन करना है। रन करने के लिए आप रन मेनू पे चले जाइए और रन मॉड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए, और आप F5 की भी प्रेस कर सकते हैं। सो गाइज, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ गया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये मेरा हेलो डॉट पाई फाइल है। सो गाइज, ये था पाइथन का इंस्टॉलेशन और फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम कैसे रन करें कमांड प्रॉम्प्ट से एंड आइडियली से। आई होप गाइज मेरा वीडियो फॉलो करके आपने सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डाल देना, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगी। एंड गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया है, जहाँ पे मैं PDF शेयर करती हूँ, वो भी फ्री में, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।